वेलकम स्टूडेंट थंबनेल देख करके आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि आज का ये वीडियो केमिस्ट्री के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से रिलेटेड है तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एम सी क्यूज को सॉल्व करना सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द गिवन इज ए मिनरल एसिड मिनरल एसिड दैट मीन्स देर विल बी प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग नॉन मेटल्स सो लैक्टिक एसिड दिस इज अ ऑर्गेनिक एसेड फॉर्मिक एसिड एच सी ओ ओ एच दैट इज ऑल्सो अ ऑर्गेनिक एसेड टाटरिक एसिड इज ऑल्सो अ ऑर्गेनिक एसिड सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड द फॉर्मुला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसेड इच एच सी एल सो द गिवन ऑप्शन में से डी ऑप्शन जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन एच सी एल इज़ द मिनरल एसिड क्वेश्चन नंबर टू विच वन ऑफ द गिवन इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड अब आपको बताना है कि वो कौन सा एसिड है जो कि ऑर्गेनिक एसिड अब ऑर्गेनिक एसिड अभी अभी आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहा था दिस इज़ अ मिनरल एसिड तो जाहिर सब बात है ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड ऑप्शन नंबर डी बोथ वन एंड थ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि अभी अभी ये हमारे लिए क्या बना मिनरल एसिड mm -hmm. तो सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड ये दोनों ही ऐसे एसिड है जो कि हम लोगों को फूड से मिलते हैं फ्रूट से मिलते हैं सिट्रिक एसिड हमें ऑरेंजेस से जो भी लेमन जो भी खट्टे फ्रूट्स आपके वहाँ पे मिलता है लैक्टिक एसिड वी आर गोइंग टू हैव फ्रॉम द कर्ड हमें ये चीज़ दही से मिलेगी सो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा डी ऑप्शन विच इज़ हैविंग बोथ वन एंड थ्री इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू मूव मूविंग ऑन ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री विच वन ऑफ द गिवन इज इन करेक्ट आपको ऑप्शन को रीड करना है एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर विच वॉज अमंगज अ करेक्ट ऑप्शन सो द ऑप्शन नंबर ए इज एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड ओके बी एक्वा सोलूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सी ऑप्शन एसिड रिएक्ट्स विथ सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज अगर आप ध्यान से चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा बच्चों कि ये तीनों कैरेक्टर्स ऑप्शन नंबर ए एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड दैट इज आल्सो वेरी ट्रू ये भी आपका एक ट्रू ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एक्वा सोल्यूशन ऑफ़ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये भी ट्रू क्योंकि एच प्लस आयन जब तक वाटर के साथ डिजॉल्व होकर एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाएगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता और सही सी बात है कि कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो देर इज़ ए रिलीज़ ऑफ़ हाइड्रोजन गैस अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हम अगर इसका मेटल से रिएक्शन करते हैं सोडियम से तो यू नो वेरी वेल कि आपको एन प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी सो so, ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी भी शो करता है मेटल आपका तो आउट ऑफ ए बी सी कोई भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट नहीं है सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फाइव फोर विच वन ऑफ द गिवन एसेड इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन एंड स्कर्वी डिजीज़ इन क्वेश्चन नंबर फोर यू हैव ऑप्शन नंबर ए एज एसिटिक एसिड ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक एसिड सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एस्कॉर्बिक एसिड क्वेश्चन नंबर फाइव एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज वेरी इजी क्वेश्चन ये सोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं कि एसिड एप्पल में कौन सा प्रेजेंट होता है ऑप्शन नंबर ए है ऑग्जालिक एसिड ऑप्शन नंबर बी मैलिक एसिड ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक एसिड सो द करेक्ट आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड एनिमल किस्टिंग एंट स्टिंग में पाया जाता है ऑगजैलिक एसिड टमेटोज में पाया जाता है सो द करेक्ट आंसर इज मैलिक एसिड विच वन ऑफ द गिविन इज हाइड्रासिड अब आप देखिए एक नया वर्ड आपको दिया जा रहा है हाइड्रासिड्स होते क्या है मैं आपको पहले वह एक्सप्लेन कर दूँ हाइड्रासिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि किसी भी सॉल्ट का सल्फ्यूरिक एसिड से यानी एन ए बी आर का सॉल्ट या एन ए सी एल का सॉल्ट अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ पर जो भी एसिड्स हेलोजन के साथ फॉर्मेशन करते हैं तो वो एच हाइड्रैसेड्स uh, कहलाते हैं तो बेसिकली इन दिस गिवन ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सो द ऑप्शन नंबर सी एच सी एन विच इज अ हाइड्रोजन साइनाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर अ हाइड्रो एसिड क्वेश्चन नंबर सेवन मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल वेन रिएक्ट विथ एसिड वॉट डे फॉर्म बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने, ने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब कभी भी कोई भी मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट अगर करेगा तो वॉट इट इज गोइंग टू फॉर्म सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फॉर्म द सॉल्टू वॉन्ट यू कैन हैव वन एग्जाम्पल ऑल्सो मेटल ऑक्साइड के तौर पर आप अगर चाहे तो आप ओ को ले सकते हैं एंड देन यू हैव एसिड एज ए एच सी एल एच सी एल से रियक्ट कराओगे तो वॉट यू विल हैव द वॉटर फॉर्मेशन क्योंकि ओ और एच आपस में रिएक्ट करेंगे एंड देन अल्टीमेटली देर विल भी फॉर्मेशन ऑफ सी एल विच इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट सो करेक्ट ऑप्शन इज सॉल्ट क्वेश्चन नंबर एट जनरली वेन सर्टेन मेटल्स रियक्ट विथ एन एसिड दे रिलीज डैश गैस आपको बताना है कि जब कभी भी कोई भी मेटल एसिड से रियाक्ट करता है तो वो कौन सी गैस रिलीज करता है एग्जाम्पल लेते हैं फिर आप बताइएगा एग्जाम्पल में अगेन आई एम टेकिंग एन ए

सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब जरा इसके बारे में भी लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों एन ए एच सी ओ थ्री रियक्ट्स विथ कहा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एच सी एल अब देखिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ ये बाई कार्बोनेट है एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जब कभी भी बाई कार्बोनेट मेटल बाई कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाईऑक्साइड आपको यहाँ पे ये यह देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस बन रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए सॉल्ट के तौर पे आपको प्रोडक्ट में मिलेगा एन ए सी एल देन यू विल हैव एच टू ओ एंड देन यू विल हैव सी ओ टू तो यू कैन हैव देट ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड हाँ भाई मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाई मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी वाटर मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है ऑल ऑफ दीज सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ दीज अगर मेरे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर टेन अ स्ट्रांग एसिड अब आपको एक स्ट्रांग एसिड की प्रॉपर्टी बताना है सो द ऑप्शन नंबर ए इज सेंग कम्प्लीटली गेट आयनाइज इन वाटर यानी एसिड अगर अच्छा स्ट्रांग है तो वो वाटर में पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएगा आयनाइज़ का मतलब होता है टू कन्वर्ट इन टू आयन्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच प्लस और सी एल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा पार्शली गेट आयनाइज मतलब थोड़ा थोड़ा होगा थोड़ा थोड़ा नहीं भी होगा डो नॉट गेट आयनाइज़ या तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी तरीके से एंड द डी ऑप्शन इज सेंग ऑल ऑफ दीज तो अभी भी अभी हम लोगों ने जस्ट बात करी थी कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर पे डिजोल्व होकर ही अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा बेहतर तरीके से रिलीज कर पाते हैं शो करते हैं सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर इलेवन विच वन ऑफ द गिवन इज ए स्ट्रांग बेस विच वन ऑफ द गिवन इज ए स्ट्रोंग बेस अब आपको बता रहे हैं कि स्ट्रांग बेस का बेस क्या होता है बच्चों बेस वो होते हैं जिनमें आपको ओ OH एच की प्रेजेंस देखने को मिलती है प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप ऐसे बेस के बारे में बात करें जो कि मेटल्स में हो और मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से भी आप डिसाइड कीजिएगा बच्चों तो ये दो की पॉइंट्स है जो कि आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगे सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच होल्ट वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच का होल्ट वाइस अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड विच इज एनएच फोर ओ एच एंड ऑप्शन नंबर डी इज पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वी विल फाइंड आउट कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सो द करेक्ट आंसर इज डी कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द गिवेन इज यूज एन एंट एसिड अब भाई एंटेसिड क्या चीज़ होती है ये तो पहली बार सुनो है एंटेसिड सो एंट एसिड वो केमिकल्स हैं जो कि लोगों को एसिडिटी के दौरान दिया जाता है एंड मतलब होता है अपोजिट एंड मतलब अपोजिट तो जब आपकी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग या नहीं खाने की वजह से तो जब एसिड क्रिएट होने लग जाता है एसिडिटी तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स दे सकते हैं जैसे आप बेसिक नेचर का कोई भी केमिकल आप प्रोवाइड कर सकते हो तो आप देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक नेचर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट लाइक ऑल ऑफ दीज वी कैन हैव सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच वन ऑफ द गिवन इज द पी एच वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो हम लोग पहले एक पी एच स्केल को ड्रॉ कर लेते हैं पीएच स्केल सबसे पहले सोरेन ने एक्सप्लेन करी थी साइंटिस्ट का नाम भी याद रखेगा सोरेन इन्होंने पीएच स्केल को ज़ीरो से फोटीन में डिवाइड किया यानी फोर्टीन पार्ट तक डिवाइड किया उसका मिड पॉइंट दिया सेवन सेवन वो मिड पॉइंट था जहां पे एच प्लस और ओ एच माइनस आयन इक्वल हो रहे थे तो जब हम बात करते हैं प्योर वाटर की तो वाटर का फॉर्मूला क्या है एच टू ओ जब आप उसे आयनाइज करते हो तो यू विल गेट एच प्लस एन ओ एच माइनस यानी एक नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल को भी अगर आप डीएसोशिएट करते हो यू विल गेट इक्वल अमाउंट ऑफ एच प्लस एन ओ एच माइनस आइ तो ऐसे लिक्विड्स या ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एच प्लस और ओ एच माइनस आइन इक्वल होता है उनका पी एच सेवन कैलकुलेट किया जाता है सो द वाटर इज़ हैविंग द पी एच ऑफ सेवन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच वन ऑफ द गिवन इज ए ट्रू इफ अ सब्सटेंस हैज पी एच ऑफ वैल्यू ऑफ फोर अब देखो फिर से मैं एक बार वापस आपको एक पी एच स्केल याद दिला दू पी एच स्केल जीरो सेवन फोर्टीन जीरो टू सेवन इज योर एसिडिक पीएच ठीक है एंड सेवन टू फोर्टीन इज योर बेसिक पी एच अब इसको हिंट के तौर पर रखना और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं अब कहा है कि पीएच कितना है फोर द सब्सटेंस इज़ अ बेस ओके ऑप्शन नंबर ए सब्सटेंस इज अ एसिड ऑप्शन नंबर बी सी द सब्सटेंस इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस एंड आइदर वन और आइदर टू अब आप बताइए बच्चों कि इसका ऑप्शन क्या होगा सो द करेक्ट आंसर इज द सब्सटेंस इज एंड एसिड वाई क्योंकि उसका जो पी है वो जीरो टू सेवन के बीच में आ रहा है वो किसके किसके बीच में आ रहा है जीरो सेवन के बीच में जो कि एक एसिडिक स्केल है तो इसलिए इस गिवन क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा जो कि एक केमिकल है एसिड के तौर पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच वन ऑफ द गिवन इज अ ट्रू इफ अ सब्सटेंस हैज़ अ पीएच वैल्यू ऑफ सेवन अगर आपको पूछा जा रहा है कि कोई एक सब्सटेंस अगर सेवन पी का है तो उसके बारे में क्या चीज़ बोलना सही है द सब्सटेंस इज बेस द सब्सटेंस इज एसेड बेस और एसिड तो नहीं हो सकता भाई क्योंकि ज़ीरो जो बेस होगा उसका पीएच एच सेवन टू फोर्टीन के आसपास होना चाहिए और जो एसिड होगा उसका जीरो टू सेवन के आसपास होना चाहिए द सब्सटेंस इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस क्यों क्योंकि जो सेवन वाला है उसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन है इसलिए वो सब्सटेंस कैसा है न्यूट्रल ना ही वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन विच वन ऑफ द गिवन रिएक्शन अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद बेस अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जहां सॉल्ट रिएक्ट कर रही है किसी बेस के साथ में बेस की पहचान ओ एच माइनस के साथ और जो सॉल्ट होगा वो आपका मेटल और नॉन मेटल के फॉर्मेशन से बना होगा तो अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड एच सी एल से रिएक्ट कर रहा है तो एक बेस है एक, एक एसिड आ गया तो यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है ऑप्शन नंबर बी कैल्श uh, कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड एसिड और बेस फिर से तो ये नहीं भी गलत है के ओ एच रिएक्ट्स विथ एच सी एल के क्या है बेस एच सी एल क्या है एसिड ये भी नहीं होगा भाई अब आते हैं नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच फोर एच इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमीनियम सल्फेट एल्युमीनियम पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव यानी ये दोनों मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं यानी ये सॉल्ट का फॉर्मेशन है सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रयल एंड इज यूज एज ए फंगी साइड ऑल्सो अब देखो एक नया क्वेश्चन है आपके लिए ब्लू विटर वर्ड याद रखिएगा बच्चों ब्लू विट्रोयल किसे कहा जाता है ये भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं अब ऑप्शंस क्या क्या है ऑप्शन नंबर एक कहता है पोटेशियम नाइट्रेट फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट क्या कहता है भाई के एन ओ थ्री ओके एंड नाउ द नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट भाई फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट क्या कहते हैं सी यू एस ओ फोर ओके किस कलर का होता है ब्लू कलर का होता है पोटेशियम नाइट्रेट फिर सोडियम कार्बोनेट फार्मूला क्या चीज़ होता है भाई एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम क्लोराइड फार्मूला बहुत ईजी है एन ए सी एल तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको सो द आंसर द कंपाउंड विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विटरऑयल एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज़ ए कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विटरोल याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन नंबर एटीन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा ये एक टेस्ट भी है जो भी बच्चों ने क्लास टेंथ का प्रैक्टिकल किया है उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर एज वेल एज सॉल्ट क्यों अब जरा देख लेते हैं भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या कहता है सी ए ओ एच का होल ट्वाइस रिएक्ट्स विथ सी ओ टू ही आप पास करोगे तो देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन एंड वाटर सो कैल्शियम कार्बोनेट विल बी द सॉल्ट एंड वाटर सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बी एन सी बोथ आर गोइंग टू बी फॉर्म क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कह रहा है बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अ कार्बन एसिड इज मिक्स विथ वाटर अब यहाँ रखिएगा एसिड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा बताना है आपको न्यूट्रलाइजेशन डायल्यूशन या आयनाइजेशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं डाइल्यूशन का मतलब है कि जब कभी एसिड में आप वाटर ऐड करते हैं या वाटर में एसिड ऐड करके उसकी मात्रा को कम करते जाते हैं तो उसे डायलूशन कहा जाता है आयनाइजेशन टू कन्वर्ट इट इन टू आयस तब आप बताइए भाई कि जब आपका एसिड को वाटर के साथ में ऐड किया जा रहा है तो क्या होगा ऑप्शन सही क्या हो सकता है आपके हिसाब से सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट विच इज़ बी एन सी क्यों भाई अब ये दोनों चीज़ें क्यों क्योंकि जो बी है वो डायलूशन वाटर जैसे से आप ऐड करेंगे तो जाहिर से बात है एसिड आपका जो एसिड्स के आयन है वो वाटर में डिजोल्व हो रहा है तो डायलूशन हो रहा है एन आयनाइजेशन ऑल्सो क्योंकि वाटर में डिजोल्व होने पर एसिड अपने आयन पर कन्वर्ट होने लग जाएगा सो द बी एंड सी इज़ करेक्ट एन सी ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच वन अमंग इज गिवन इज ए वीक बेस आपको बताना है कौन सा वीक बेस हो सकता है वीक बेस के लिए सबसे पहले आप ये चीज़ जुड़िए कि वहां पे सबसे अनरिएक्टिव मेटल या कंपाउंड क्या हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी रिएक्टिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उससे भी रिएक्टिव है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल ऑफ दीज सो द करेक्ट ऑप्शन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड आग बन करके इसको आंसर याद कर लीजिए आप इसका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कह रहा है विच एसिड इज यूज इन कोला यानी कोल्ड ड्रिंक टू गिव इट बिटिंग शार्प टेस्ट ऐसे कौन सी चीज़ है जो हम लोग को एक मुंह में एक फ्रिज या एक शार्प टेस्ट हम लोगों को तुरंत बताती है तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टाटरिक एसिड दिस इज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टाटरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ले नहीं सकते इडेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी फॉस्फोरिक एसिड जला देगा सिट्रिक एसिड बहुत खट्टा होता है तो टाटरिक एसिड वहाँ पे यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू रेंज ऑफ द पीएच स्केल अब ये तो बात हो चुकी है अब मैं ये क्वेश्चन छोड़ती हूँ आपके लिए आप मुझे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे लिख करके कि मैम ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर है ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर ए है सेवन टू टेन ऑप्शन नंबर बी ज़ीरो टू ट्वेन ऑप्शन नंबर सी जीरो टू फोटीन एंड ऑप्शन नंबर डी सेवन टू फोर्टीन सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बच्चे मुझे करके दिखाएंगे जो बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं आ, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं बोलूँगी कि आप और भी ज़्यादा लाइक्स दीजिए इसको और भी ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने साइड से बहुत मेहनत कर रही हूँ आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करके ठीक है आप भी इनको पढ़ करके और इनको सॉल्व करके उतनी ही मेहनत करिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे स्कोर आ सके सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइफ इट्स मिल्किनेस फेथ्स बिकॉज अब ये तो टेस्ट है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो उसमें इट टर्न्स मिल्की तो ये प्रेजेंस दिखाता है कि सी ओ टू से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल्की हो जाता है लेकिन आप एक्सेसिव पास करते हो तो वो अगेन कलरलेस हो जाता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन भी है एच प्लस आयन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एरिनियस एसिड अरिनियस एसिड अब देखिए एक अलग कॉन्सेप्ट है ये एसिड बेस को समझने का एक साइंटिस्ट इनका नाम था एरिनियस इन्होंने बोला कि इसी पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रेजेंस की वजह से आपका जो केमिकल है वो एसिड और वो बेस हो सकता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन अगर एच प्लस आयन ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन एसिडिक होगा अगर एच प्लस आयन कम है तो वो सोल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा सो द करेक्ट आंसर इज सी विच इज़ हाइड्रोजन आयन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे हम लोग पहुँच चुके हैं मतलब आधा रास्ता हम लोगों ने ऑलमोस्ट तय कर लिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कह रहा है मेथाइल रेड कलर अब आगे इंडिकेटर्स पे मेथाइल रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन इज जो मेथाइल रेड का कलर है वो एसिडिक सोल्यूशन में कैसा होगा हम लोगों ने मेथाइल ऑरेंज पढ़ा है मेथाइल रेड भी आपका एक इंडिकेटर है सो इट इज गोइंग टू हैव अ रेड कलर इन एसिडिक मीडियम मुझे वो मेथाइल ऑरेंज लिखना चाहिए था लेकिन वो रेड हो गया वहाँ पे सो द करेक्ट आंसर इज रेड इन एसिडिक मीडियम अच्छा मेथाइल ऑरेंज आपको कौन सा कलर प्रोवाइड करता है बेसिक मीडियम में याद रखिएगा कि वो आंसर है आपका येलो ठीक है वो येलो कलर शो करेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कई बार बच्चे गलत भी करके आते हैं कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है सो द करेक्ट फार्मूला फॉर द जिप्सम इज सी एस ओ फोर टू एच टू ओ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हाफ एच टू ओ इज़ द फॉर्मूला फॉर द पी ओ पी यस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्या कहता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एच सी एल गैस ऑन अूमिड डे द गैस इज़ यूजअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड द पर्पज ऑफ यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड इज़ कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा केमिकल है बच्चों जो कि नमी सोख लेता है बेसिकली सो so, अगर हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो इसलिए ताकि एच गैस को ऐब्जॉर्व किया जा सके सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कहता है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अब ये आपस में ऑड वन आउट का एक गेम खेलना है आपको बताना है कौन सा ऑड है कौन सा नहीं ऑप्शन नंबर ए कहता है नाइट्रिक एसिड ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर सी टाटरिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरिक एसिड अगर आप ये सारे देखो तो आपको ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जो टाटरिक एसिड दिख रहा है वो ऑर्गेनिक एसिड है इट इज़ ए ऑर्गेनिक एसिड यानी आपको ये फूड में मिलता है बेसिकली हमें टाटरिक एसिड टैमरिन में यानी इमली से मिलता है दिस इज द वन आउट फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर थर्टी कह रहा है सोडा केमिकल फॉर्मूला इज़ जो सोडा आपका केमिकल है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है तो सोडा एस का फॉर्मूला होता है एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट इज द फॉर्मूला फॉर द सोडा एश क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कॉमन सोल्ट बिसाइड्स बीग यूज इन द किचन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अब कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये भी यूसेज आपके बुक के अंदर में दिया हुआ है कि आप एन ए सी एल को और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है बेकिंग सोडा ऑप्शन नंबर बी वॉशिंग सोडा ऑप्शन नंबर सी ब्लैक ऐश ऑप्शन नंबर डी स्लेग लाइ अगर आप लोगों ने सबने अच्छे से बुक पढ़ी हुई है तो आपको ये आंसर आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ब्लैक ऐश इज द करेक्ट आंसर Okay, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है सॉरी आपके पास ऑप्शन कई सारे हैं आपको बता दें कौन सा सही है और कौन सा गलत है सॉरी सोडा ऑप्शन बेकिंग पाउडर में भी यूज़ होता है वॉशिंग सोडा में भी यूज़ होता है स्लेक लाइम में नहीं यूज होता है ठीक है तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू लेवल ऑफ पीएच फाउंड इन एंट सोल्यूशन तो आपका एंट एसिड एसिड के अगेंस्ट में हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसका जो पी है वो सिक्स या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर लेस देन अच्छा बेस में भी नेचर उसका क्या है कि सेवन होगा न्यूट्रल हो जाएगा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा सी का ऑप्शन है टेन लेस देन टेन होना चाहिए एनडीएंगस देन फोर्टीन फर आपको ये याद रखना है कि जितना एसिड कॉरेसिव है उतना ही बेस भी कॉरेसिव होता है तो आप एग्जैक्टली इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन के जो बेस है वो यूज नहीं कर सकते तो जो एंट एसिड होगा उसका पी एच लेस देन टेन होगा तो इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री कहता है कि व्हाट इज़ ब्लैक ऐश ब्लैक ऐश है क्या चीज़ तो आप ये याद कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लैक ऐश अपन कहते हैं बेरियम सल्फेट को फार्मूला है बी एस ओ फोर का याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू एन ए सी एल एक्वा सोल्यूशन तो क्या होना चाहिए भाई देखिए एन में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो ज़ाहिर सी बात है जो मेटल और नॉन मेटल वहाँ प्रेजेंट है वो एक दूसरे से आयनाइज होंगे और वो कहीं कहीं पे डिपॉजिटेड हो जाएंगे एन का एक्व सोल्यूशन यानी दैट सोल्यूशन इज़ नोन एज ब्राइन सोल्यूशन एन के एक्व सोलूशन को ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है और ये जो ब्राइन सोलूशन है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर आपको वहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स में अलग अलग गैसेस मिलती हैं एंड एन यूएच का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड ओनली क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैसेज आर प्रोड्यूसड ऑल ऑफ दीज गि आर प्रोड्यूस्ड तो ये सारा ऑप्शन सही होगा सो द क्वेश्चन नंबर थर्टी का जो आंसर है वो डी होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव कह रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट इट इज अ वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड इट इज रियली रिएक्ट विट वाटर एंड प्रोड्यूस एल्कलाइन सोल्यूशन इट इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन अब कैरोसिन में तो भाई जाहिर से बात है जो बहुत ही रिएक्टिव है वही आप यूज़ कर सकते हो तो इट इज ए मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी योर सोडियम थर्टी सिक्स कहता है ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है सो द केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हाइपो ऑक्सीक्लोराइड दोनों वर्ड एक साथ नहीं हो दोगे या तो हाइपो यूज होगा या तो ऑक्सी तो आप ऑक्सीक्लोराइड पे सही करिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द कलर ऑफ मेथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम अब देखो वही क्वेश्चन आपसे वापस पूछ लिया गया सो द आंसर इज वेरी करेक्ट येलो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द पी एच ऑफ कॉमनली यूज टूथपेस्ट अब जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका पी एच क्या होना चाहिए लेस देन सेवन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन फिनॉफ्थेन फिनॉफ्थलीन कलर इन बेसिक मीडियम वेरी इजी क्वेश्चन बट इन एसिडिक क्या होता है पिंक एंड कलरलेस येलो एंड पिंक पिंक एंड ऑरेंज ब्लू एंड रेड तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट पिंक एंड कलरलेस जो फिनॉफ्थलीन है वो पिंक कलर बेस में देता है जबकि कलर लेस वो आपका एसिड के प्रेजेंस में होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका जिंक से रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है तो जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्ट करेगा सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा एंड देर इज द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यू आर गिवन थ्री अनोन सोल्यूशन विद द पी एच ऑफ सिक्स एट नाइन पॉइंट फाइव रिस्पेक्टिवली याद कर लीजिए सिक्स एट नाइन पॉइंट फाइव रिस्पेक्टिवली सिक्स आपका एसेडिक है एट आपका बेसिक है भी आपका कैसा है बेसिक सोल्यूशन दिखा रहे हैं विच सोल्यूशन विल कंटेन मैक्सिमम ओ एच माइनस आई एन तो आपको क्या याद करना है यहाँ पे एक पोस्ट एक पी एच इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एच प्लस आयन द मोर एच प्लस आयन द लेसर विल बी द पी एच वैल्यू द लेस पी एच आयन द लेस एच प्लस आयन द मोर विल बी दी एच और यहाँ आपकी बात हो रही है ओ एच माइनस से अगर एक सोल्यूशन में एच प्लस आयन कम होगा तभी वहाँ ओ OH एच माइनस आयन ज़्यादा होगा सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इज द सैम्पल नंबर थ्री क्योंकि उसका पी एच कितना दिखा रहा है नाइन पॉइंट फाइव तो यहाँ ओ एच माइनस आयन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू कह रहा है द पी एच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज अब ये गैस्ट्रिक जूसेज जो बॉडी के अंदर में रिलीज हो रही है स्टमक पे एंजाइम्स उसका पी एच कितना होगा uh, ग्रेटर देन सिक्स पॉइंट फाइव इक्वलेंट और लेस देन सेवन फाइव और नन ऑफ डीज सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फाइव सी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस इज अभी भी पढ़ा था हम लोगों ने सो द करेक्ट आंसर इज सी एस ओ फोर हाफ एच टू क्योंकि टू एच टू इज़ द फॉर्मुला फॉर द जिप्सम क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज आपका अमोनियम सल्फेट एन एच फोर एसओ थ्री का होल्डस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का आंसर इज ए बेसिक सॉल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड नेवर फॉर्म एसिडिक सॉल्ट कौन सा ऐसा है जो कि एसिडिक सॉल्ट कभी बनाएगा ही नहीं तो जो वीक एसिड होगा वो एसिडिक सॉल्ट नहीं बना पाएगा सो द ऑप्शन नंबर डी कार्बोनिक एसिड क्योंकि बाकी तीनों जितने भी हैं ये सारे के सारे तो बहुत ही रिएक्टिव है हमको पता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स कह रहे हैं ओके सॉरी इसका भी आंसर थोड़ा अलग है फॉस्फोरिक एसिड भी है साथ में वीक के तौर पे सो द करेक्ट आंसर इज़ ए एंड सी बोथ द ऑप्शन बी इज करेक्ट डी ओनली विनेगर इज़ यूज इन पिकिंग एज पिकलिंग एज इट विनेगर में को पिकलिंग के लिए पिकलिंग यानी अचार बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है क्योंकि इज एन एसिड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोव प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ पिकल्स इंक्रीज टेस्ट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इसका ऑप्शन होना चाहिए सो द करेक्ट आंसर इज प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑप्शन नंबर बी फोर्टी सेवन पी एच स्केल ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन वेरी क्लियर है सेवन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर ईटेबल कौन से एसिड्स आपके ईटेबल है सिट्रिक एसिड खा सकते हैं टाट्रिक एसिड खा सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं खा पाएंगे भाई क्योंकि उसका पी एच बहुत ही कम है वन है कार्बनिक एसिड भी खाया ही जा सकता है सो आई थिंक द ऑप्शन नंबर बी ए बी डी इज द करेक्ट आंसर ए बी डी इज द करेक्ट आंसर ब्यूटेरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्यूटेरिक एसिड आपका कहाँ पर पाया जाता है तो दैट विल भी फाउंड इन केस ऑफ रेंसे केक जो केक खराब हो चुका होगा वहाँ ब्यूटेरिक एसिड होगा लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन एंड इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड एंडिकेटर है क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है रिड्यूसिंग एजेंट है वीक एसिड और एसिड ओनली वीक बेस और एसिड ओनली और इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन में कमेंट में जो बच्चे यहाँ तक आए क्वेश्चन देखते हुए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का आंसर क्या होना चाहिए ठीक है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मोर क्वेश्चंस का कमेंट लिखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में बना सकूँ आपको दो ऑप्शंस देने हैं मुझे या तो सी एच ई लिख के केमिस्ट्री बता दीजिए और अगर लगता है कि बायो के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन बायो इन कमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली थैंक यू जेनविनली थैंक यू जो बच्चों ने देखा है यहाँ तक